सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक और तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, बात करेंगे एमबीए के एडमिशन प्रोसेस की। कहाँ पे? एलपीयू में। तो 2024 के लिए जो एडमिशन सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है एमबीए के लिए, ठीक है, एलपीयू में। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि भैया हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हमको एमबीए का एडमिशन प्रोसेस समझा दो, क्या एडमिशन प्रोसेस हो, क्या क्या स्टेप्स है जो फॉलो करने वाले हैं, कौन सा एग्जाम है देना पड़ेगा, उसमें कितने मार्क्स आएंगे, कितनी फीस पर सेमेस्टर रहने वाली है, कितनी स्कॉलरशिप हमको मिल सकती है। तो इन सारी बातों के जो डाउट है आपकी इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है एलपीयू से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इस वीडियो का मेन मोटिव जो रहने वाला है आपको बताऊंगा पूरा एडमिशन प्रोसेस। उससे पहले जो कुछ बातें आपको बता दें, सबसे पहले कि कौन कितने प्रकार की जो एमबीए यहां पे ऑफर की जाती है। तो एलपीयू में जो काफी प्रकार की एमबीए ऑफर की जाती है, नॉर्मल एमबीए, ठीक है, इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम जिसमें कि आपकी एमबीए एनालिटिक्स है जो कि टाई अप है केपीएफजी के साथ, इनको बोलते हैं ऑनर्स प्रोग्राम, ठीक है। तीन प्रकार की ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं जो कि इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है, ठीक है, एक एमबीए फाइनेंशियल मार्केट है, सप्लाई चेन है। उसके बाद अगर हम स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे एमबीए स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जैसे कि हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर में या इंटरनेशनल बिजनेस में। तो टोटल 7 प्रकार की एमबीए जो यहाँ पे ऑफर की जाती है। सबके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है बिल्कुल सेम रहने वाला है, सारे इसके लिए एडमिशन प्रोसेस सेम रहेगा, कुछ भी डिफरेंस है नहीं आने वाला। तो हम यहाँ पे नॉर्मल एमबीए की एग्जाम्पल लेके पूरा एडमिशन प्रोसेस है जो अच्छे से समझते हैं। एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे 5 सीक्रेट सिंपल से स्टेप है जिसमें आपका जो एडमिशन प्रोसेस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले जो एडमिशन प्रोसेस है, यहाँ पे 2 मोड है, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड थोड़ा सा आपको हेक्टिक पड़ जाएगा, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ऑनलाइन मोड की, जिसके थ्रू आप अपनी जो एडमिशन है घर बैठे बैठे करवा सकते हैं, कहीं भी आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप जो आपके रहने वाला है कि आपको साइनअप करना है, ठीक है। साइनअप कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली जो साइनअप कर सकते हैं। साइनअप करना है आपको एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसके लिए डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, एलपीयू नेट का स्टेप 2 आपके रहने वाला है, एलपीयू नेट का आपको एग्जाम देना। सारे स्टेप्स आपको बता देता हूं, फिर बारी बारी आपको डिटेल में समझा दूंगा। उसके बाद आपको स्टेप 2 आपके रहने वाला है, आपको एलपीयू नेट का एग्जाम देना है। एलपीयू नेट का एग्जाम क्या है, एलिजिबिलिटी और स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि एमबीए के लिए देना कंपलसरी रहेगा। उसके बाद स्टेप 3 है आपको, ठीक है, अपना जो एलपीयू नेट का एग्जाम है उसकी एग्जाम स्लॉट बुक करनी पड़ेगी। एग्जाम देने के बाद आपको नेक्स्ट डे अपना वीडियो ऐसे सबमिट करना पड़ेगा। जब आपको वीडियो ऐसे सबमिट कर दोगे तो आपको इन दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट है, इन सारी डेट्स है कि कब आपको एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है, लास्ट डेट क्या है, ये भी इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये करने के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों पोर्शन में मतलब क्लियर कर पाते हैं तो आप इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो गया तो आपकी एडमिशन है जो डन हो जाएगी। सिंपल से एडमिशन प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद एलपीयू नेट का एग्जाम देना है। एलपीयू नेट का एग्जाम देने के बाद आपको अपना एक वीडियो ऐसे सबमिट करना है। वीडियो ऐसे कौन सा सबमिट करना है वो आपको मेल आ जाएगी, ठीक है। वो सबमिट करने के बाद आपको अपना वीडियो ऐसे सबमिट कर देना है। वीडियो ऐसे सबमिट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो डन हो जाएगी। कब कब देना है ये सारी डेट्स भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस। अब आते हैं सबसे पहले साइन अप वाला, तो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको साइन अप करके आप कर सकते हैं। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं कि जो एलपीयू नेट है वो एलपीयू नेट का एग्जाम देना, बहुत बच्चों का डाउट आता है कि एमबीए के लिए एलपीयू नेट का एग्जाम देना कंपलसरी है या नहीं है। तो आपको आंसर क्लियरली बता देता हूं, एलपीयू नेट का जो एग्जाम देना है जो एमबीए में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कंपलसरी है। कहां पे लिखा है वो भी आपको बता दो। जैसे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो आपको मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अगर आपके मिनिमम 55% मार्क्स है तो ही आप यहाँ पे एमबीए में एडमिशन ले सकते हो। 54% मार्क्स भी होंगे तो भी आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले। मिनिमम आपको 55% मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए। उसके साथ साथ है आपको या तो इनमें से कोई भी एक एग्जाम है जो दिया होना चाहिए, ठीक है, कैट, मैट, जेड, एनमैट या सीमैट, तो इनमें से कोई भी एक एग्जाम देना होना चाहिए। एलपीयू नेट का एग्जाम देना भी यहाँ पे कंपलसरी आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जाम नहीं दिया तो एलपीयू नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एलपीयू नेट का एग्जाम जरूर दें, क्योंकि आपको इन बाकी एग्जाम के बेसिस के ऊपर यहाँ पे ना ही सीट मिलेगी और ना ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एलपीयू नेट है कि यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी और स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। कितनी मिलेगी वो भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की क्रिटेरिया, ठीक है, एलपीयू नेट का एग्जाम देना चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा आपको वीडियो ऐसे सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब एलपीयू नेट का एग्जाम क्यों देना चाहिए वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे एमबीए की जो पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है वो 2 लाख रुपए रहने वाली है। टोटल 2 साल का कोर्स रहेगा, 4 सेमेस्टर रहेंगे, जिसमें आपकी पर सेमेस्टर फीस 2 लाख रहने वाली है। मतलब 1 साल की एकेडमिक फीस आपकी 8 लाख रुपीज हो गई। अब एलपीयू नेट का एग्जाम देने से क्या बेनिफिट मिलता है, अगर आपने एलपीयू नेट का एग्जाम दिया और कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप में आते हो तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब कि 60,000 पर सेमेस्टर की स्कॉलरशिप मिलती है। 1 साल में आप
कितने पैसे सेव करोगे, 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 रुपीज अपने आप जो एक साल में सेव करोगे, आप एलपीएनएस का अगर एग्जाम देते हो और कैटेगरी वन की स्कॉलरशिप में आते हो तो 30% की स्कॉलरशिप मिलती है, कैटेगरी टू में आते हो तो 25% की स्कॉलरशिप मिलती है, कैटेगरी टू में आते हो तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब आपको समझ आ गया कि पर सेमेस्टर फीस 2,00,000 रुपए है, और अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप लेते हो तो मिनिमम अगर आप कैटेगरी थ्री की स्कॉलरशिप भी क्रैक करते हो तो 40,000 पर सेमेस्टर की स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। मतलब आपने एक साल में 80,000 रुपए और दो साल में अप्रोक्सीमेट 1,60,000 रुपए जो अपने सेव कर सकते हो। तो काफी ज्यादा अच्छी स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही है अगर आप मिनिमम थर्ड कैटेगरी की स्कॉलरशिप यहाँ पे करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रोसेस कि आपको यहाँ पे एलपीएनएच का जो एग्जाम देना है। अब एलपीएनएच का जो एग्जाम दे देंगे आप उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको अपना वीडियो ऐसे सबमिट करना है। वीडियो ऐसे जैसे ही आपका एलपीएनएच का रिजल्ट आ जाएगा, एलपीएनएच का रिजल्ट आपका विद इन 3 से 4 दिन में आ जाएगा, उसके बाद आपको अपना वीडियो ऐसे जो एलपीएनएच का जब आपने एग्जाम दे दिया आपको साथ ही साथ मेल आ जाएगी कि इस टॉपिक के ऊपर आपको अपना वीडियो ऐसे सबमिट करना है। तो आप वीडियो ऐसे बना के सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अगर आप क्लियर करते हो तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी एडमिशन है जो डन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूं, शेड्यूल 1 है जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो पहले स्कॉलरशिप थी मैक्सिमम स्कॉलरशिप अभी आपको 30% की मिल रही है, पहले इससे ज्यादा थी, अब है जो वो रिड्यूस हो चुकी है। शेड्यूल 2 26 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ था, जो आपकी एग्जाम एलपीयूनेस एग्जाम के लिए स्लॉट बुकिंग है वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। एलपीयूनेस एग्जाम के लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2024 रहने वाली है। तो 15 फरवरी 2024 से पहले पहले आप एलपीयूनेस के लिए एग्जाम के लिए अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो ये मैक्सिमम स्कॉलरशिप 30% की मिल रही है और रिड्यूस होकर 25% तक रह जाएगी। तो जो बच्चे भी एलपीयू में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, एटलीस्ट एलपीयूनेस के लिए रजिस्टर करके एलपीयूनेस के एग्जाम के लिए, मतलब आप रजिस्टर करके एग्जाम देके रख लो। अभी ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम देके अभी एडमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं, जो बच्चे अभी लास्ट सेमेस्टर में परस्यू कर रहे हैं एग्जाम देने वाले हैं वो अभी एलपीयूनेस का एग्जाम फॉर्म फिल करके अपना जो एग्जाम देके रख सकते हैं ताकि उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए और उनकी सीट बुकिंग हो जाए। तो लास्ट डेट आपकी 15 फरवरी 2024 है जो रहने वाली है। डेट्स ऑफ आपके एग्जाम कब होगी, ठीक है, जो एलपीयूनेस का एग्जाम है ना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपका एग्जाम होने वाला है। घर बैठ के आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए। एग्जाम के रूल्स कैसे आपका एग्जाम घर पे बैठे बैठे हो, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना रखी है, जो वीडियो आप जाके देख सकते हो। घर बैठे बैठे आपका एग्जाम होगा, आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए जिसपे आपके पास कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए, घर बैठे बैठे आपका एग्जाम हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपको जो 15 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में आपके एग्जाम की डेट्स है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट एंड टाइम चूज करके 15 फरवरी के बीच से 29 फरवरी के बीच में कोई भी डेट एंड टाइम चूज के घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट डेट, आपको वीडियो ऐसे जैसे आपने एग्जाम दे दिया अपना, ठीक है, एलपीयूनेस्ट वाला, तो विद इन 24 घंटे आपको अपना वीडियो ऐसे जो सबमिट कर देना पड़ेगा। वीडियो ऐसे का जो टॉपिक वगैरह आपको मेल के ऊपर आ जाएगा, या आप अपने एलपीयूनेस्ट के पोर्टल जहां से आप एलपीयूनेस्ट के लिए रजिस्टर करोगे वहां भी देख पाओगे। 3 दिन के अंदर आपका जो वीडियो ऐसे और एलपीयूनेस्ट का जो स्क्रीनिंग का रिजल्ट है वो आ जाएगा। अगर आप वो क्लियर करते हो तो आपको उसके बाद अपने, ठीक है, 2 से 8 दिन के बीच बीच में आपको अपना इंटरव्यू है वो भी आप खुद ही शेड्यूल करोगे कि आपको कब देना, कौन से डेट एंड टाइम पे देना, अपने अकॉर्डिंग है जो अपना इंटरव्यू शेड्यूल करके आप इंटरव्यू शेड्यूल कर लोगे। जैसे आपका इंटरव्यू हो जाएगा विद इन 24 घंटे है जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 24 घंटे में आपका इंटरव्यू का भी रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी ये जो एडमिशन यहां पे होने वाली है या नहीं होने वाली। फाइनल लास्ट डेट है जो आपके लिए एडमिशन के लिए एमबीए में रहने वाली है वो 15 मार्च 2024 रहने वाली है। 15 मार्च 2024 तक आपको अपना पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। बट फिलहाल आप क्या कर सकते हो कि एलपीयूनेस का एग्जाम देके रख सकते हो ताकि जो आपको मैक्सिमम 30% की स्कॉलरशिप है वो आपकी कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आपका एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया सारी। तो सारे डाउट्स आई होप आपके इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड एमबीए से। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है कि एमबीए का क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, जो आपको फॉलो करना है एलपीयूनेस के लिए, कहां से प्रिपेयर करना है, क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। अगर आप सर्च भी करोगे मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है, एमबीए एलपीयूनेस सिलेबस या एलपीयूनेस, ठीक है, तो सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एलपीयूनेस अगर आप अप्लाई करते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक से अप्लाई करते हो तो आपको फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट है वो भी मिल जाता है। वैसे तो एलपीयूनेस की जो ऑफिशियल फीस है बॉयज के लिए 1,000 है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद बॉयज की फीस रह जाएगी 500, गर्ल्स की रह जाएगी 250 रुपीज। तो अगर आप भी लुत्फ उठाना चाहते हो डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए। कोई डाउट वगैरह है तो मुझे मैसेज करके आप इंस्टाग्राम वगैरह पे क्लियर कर सकते हो या नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।